हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 ऑफ मैट्रेसेस। इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस मेनी थिंग्स अबाउट मैट्रेसेस एंड दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रेसेस। ऑपरेशन मींस हम दो मैट्रेसेस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब आपको आ जाएगा आज टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रेसेस। अगर हमको दो मैट्रेसेस को ऐड करना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्डर ऑफ मैट्रेसेस शुड बी सेम। मैट्रेसेस को ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर क्या होता है हम लोगों को पता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 2, 4, 5 एंड 6, 7, 8। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 row 3 column, 2 × 3 का इसका ऑर्डर है। सिमिलरली एक और मैंने मैट्रेसेस लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 3। वो मैट्रेसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो और उन्हीं को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 × 3 का मैट्रेस है और मैं एक मैट्रेस बना लूं 1, 2, 3, 4, ये मेरा 2 × 2 का मैट्रेसेस है। अब मैं इस वाले और इस वाले मैट्रेस को ना ऐड कर सकती हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। आई मेरी बात समझ? सो एडिशन ऑफ टू मैट्रेसेस सिर्फ तब हो सकता है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रेसेस सेम। डिफरेंस ऑफ मैट्रेसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रेसेस सिर्फ तब हो सकता है व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रेसेस सेम। अगर ऑर्डर्स सेम नहीं है आपके मैट्रेस के तो ना ही आप उनको ऐड कर सकते हो ना ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। करना कैसे है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रेस बाय अ स्केलर। कि एक अगर आपको मैट्रेस को स्केलर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक मैट्रेसेस दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे इसको 4A बनाना है, ये सिर्फ A दे रखा है, दैट मीन्स मुझे A को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो A अगर ये मेरा पूरा है और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब इस वाले मैट्रेस को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। बस यही था इसके अंदर कि कैसे अगर आपको 4A करना है तो पूरे A को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 एंड 4 × 6 = 24। आई मेरी बात समझ? अगर आपको ये 3A निकालना होता फॉर एग्जाम्पल तो आप A को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 3 से। 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 6 = 18। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर आपको ये दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप उसका नेगेटिव बनाना है, सिंपल है ना यार। माइनस को इस A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस को मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सबके साइन बदल जाएंगे। इसमें सबके पॉजिटिव है तो सबके नेगेटिव बन जाएंगे, अगर सबके नेगेटिव होते तो सबके पॉजिटिव बन जाते हैं। नेगेटिव और मैट्रेसेस में साइन चेंज हो जाता है पूरे मैट्रेसेस का। आई मेरी बात समझ? देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ मैट्रेसेस, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रेसेस। अगर आपको दो मैट्रेसेस दे रखे हैं तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये समझाने से पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे दो मैट्रेसेस ले रही हूँ गाइस, एक ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ऑर्डर है इस मैट्रेसेस का? 2 × 3, ठीक है। और एक हम मैट्रेसेस का ऑर्डर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसका क्या ऑर्डर है आपका? 3 × 2। आप दो मैट्रेसेस को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मैं क्या बोलने वाली हूँ, आप दो मैट्रेसेस को सिर्फ तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब इस वाले मैट्रेसेस के ऑर्डर का ये वाला डिजिट इस दूसरे वाले मैट्रेसेस के फर्स्ट डिजिट के इक्वल हो। अगर ये आपका 2 × 3 है तो दूसरा वाला मैट्रेसेस आपका 3 × something ही होना चाहिए। अगर ये मेरा 2 × 2 है तो दूसरा वाला मैट्रेसेस मेरा फॉर एग्जाम्पल 2 × 1, ये 2 है और ये भी 2 ही होना चाहिए। मतलब इस वाले मैट्रेसेस के ऑर्डर का सेकंड, दैट इज हम m × n बोलते हैं ना, n शुड इक्वल टू इसका फॉर एग्जाम्पल p × q है तो p। आई मेरी बात समझ? कैसे हमको करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी समझो कि किन मैट्रेसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किन मैट्रेसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हो एक मैट्रेसेस मेरा 2 × 3 का है और एक मैट्रेसेस मेरा 2 × 2 का है, तो इन दो मैट्रेसेस को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इसका 3 ≠ 2। बात आ रही है आपको मेरी समझ? तो वही मैट्रेसेस जिसके ऑर्डर में इसका n = इसका p, मतलब इसका लास्ट वाला डिजिट = इसका फर्स्ट वाला डिजिट हो, उन्हीं मैट्रेसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है।
आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एक मैट्रिसेस है मेरा जिसका ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरा मैट्रिसेस है मेरा जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो इस उनको हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इसका n इज इक्वल टू इसका p, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपके नॉलेज के लिए कि किन किन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, एंड फाइनली आप दो मैट्रिक्स कौन से ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन उसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मेरा मतलब है फिफ्थ सिक्स क्लास से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इनको हम मैट्रिसेस के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वहां यहाँ इस वाले कॉलम में मैं प्लस वाले मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ, इसमें डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ, और इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैं 3+2 कर रही हूँ 5 आ रहा है, और अगर 2+3 करूंगी तो भी 5 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी पॉजिटिव मैट्रिसेस के साथ एप्लीकेबल है। कहने का मतलब क्या है, इसको इससे ऐड कर दो या इसको इससे ऐड कर दो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। पर सेम चीज आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा मैट्रिसेस के जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 में से 2 माइनस करूं तो 1 आएगा, पर 2 में से 3 को माइनस कर दूंगी तो -1 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव को सपोर्ट नहीं करती। सिमिलरली अगर आप दो मैट्रिसेस उठाते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर अलग आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर अलग आएगा, इसलिए आपका मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता। और आपका सेम मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता। जरूरी नहीं है आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आए। आई मेरी बात समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी और सबको ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं 2-3 चीजों को ऐड करूं, a प्लस बी प्लस सी, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, फिर उसमें सी ऐड कर दूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसमें बी प्लस सी ऐड कर दूं तो। आई मेरी बात समझ। कहने का मतलब क्या है, पहले a प्लस बी ऐड कर दो उसमें c ऐड कर दो, इसके अंदर पहले b प्लस सी ऐड कर दो फिर उसमें a ऐड कर दो, तो आंसर सेम आएगा। ये होती थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका प्लस के साथ हमेशा जाती है, नेगेटिव के साथ नहीं जाएगी, और आपकी मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी जाती है। आई मेरी बात समझ। उसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ तब हो सकती है जब आपका मल्टीप्लीकेशन हो, तो प्लस में तो नॉट एप्लीकेबल, माइनस में नॉट एप्लीकेबल, पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्या होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर b प्लस सी और a से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप 12th में आ गए हो तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा, अगर a है, अगर a को मैं उसके नेगेटिव a से प्लस कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर एक a को मैं उसके नेगेटिव a से माइनस कर दूंगी तब भी आंसर क्या आएगा मेरा, जीरो। एक सेकेंड, अगर एक मेरा a है और एक मेरा माइनस a है, और अगर मैं उनको माइनस कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2a। तो मतलब ये आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन के अंदर, आप a इंटू बी करो, आप b इंटू a करो, आपका आइडेंटिटी आएगा। ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब हम इस चीज को क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ, इतनी बातें क्लियर है। तो इसी के बेस पे गाइस एग्जाम्पल 6 to 11 हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा, अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बस सब आराम से कर लो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6। ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें a प्लस बी निकालना है। तो प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, a का ऑर्डर क्या है, 2 into 3, b का ऑर्डर क्या है, 2 into 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको ऐड कैसे करना है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऑर्डर सेम क्यों लिया, ताकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ऐड कर सके। इस वाले मैट्रिसेस का पहला ये है और इसका ये है, तो इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2+√3। इसका ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का ये सेकंड है और इसका ये सेकंड है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 1+√5। उसके बाद -1+1 क्या हो जाएगा, 0। 2+-2 क्या हो जाएगा, 0। 3+3 क्या हो जाएगा, 6। और 0+1 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। आमने सामने वाले को हम ऐड करेंगे, आमने सामने वाले को हम माइनस करेंगे, इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर।
आई मेरी बात समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल इफ ए की वी ए दे रखा है हमें 1 2 3 2 3 1, बी हमको दे रखा है 3 -1 3 -1 0 2। अब हमें फाइंड करना है 2a - b, माइनस करना है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर 2 × 3 है, दो रो तीन कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम 2 × 3, तो बिल्कुल माइनस अब हम कर सकते हैं। पर हमें माइनस किसको करना है, हमें ए माइनस बी अगर डायरेक्ट करना होता तो इसमें से इसको माइनस कर देते, 1 में से 3 माइनस कर देते, 2 में से -1 कर देते, 3 में से -3 कर देते, पर हमें बोला 2a - b करो, तो सबसे पहले 2a निकालो, तो 2a तो है ही नहीं हमारे पास, a है हमारे पास, a से 2a कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली बात है a को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a वाले मैट्रिक्स को पूरे किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 और 2 1 2। अब ये पूरा आपका क्या बन गया 2a। अब 2a आपके पास तैयार है, b आपके पास तैयार है, दोनों सेम ऑर्डर क्या, इन दोनों को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 2a - b मतलब 2 में से 3 गया, -1, 4 - -1 क्या हो जाएगा 4+1 will give you 5, 6 - 3 will give you 3, 4 - -1 will give you 5, 6 - 0 will give you 6 and 2 - 2 will give you 0. आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल 8। इफ ए इज इक्वल टू ये 8 0 4 - 2 3 6, बी इज इक्वल टू 2 - 2 4 2 - 5 1, ए दे रखा है बी दे रखा है, फाइंड मैट्रिसेस एक्स, हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें बोले आप एक्स की वैल्यू निकालो, तो थोड़ा सा ना सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, कैसे करेंगे देखो, चेक करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2a + 3x = 5b। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2a यहाँ पे प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2a यहाँ पर प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3x = 5b - 2a, इतनी बात। अब x 3 यहाँ मल्टीप्लाई से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3 5b - 2a। दैट मीन्स अगर आपको x निकालना है तो आपको पहले 5b में से 2a को माइनस करना पड़ेगा और उसको फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें पता चल गया हमें कैसे करना है, हमें किस वैल्यू की जरूरत है गाइस, हमें 5b की जरूरत है और a में हमें किस चीज की जरूरत है, 2a की जरूरत है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें सिर्फ a और b दे रखा है तो 5b और 2a निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने a को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 8 2 16 0 2 0 8 4 4 2 8 -2 × 2 -4 3 2 6 and 6 2 12। सिमिलरली ये चीज हम लोगों को निकालनी है। अब आप 5 × b कर दो क्योंकि हमने क्या इक्वेशन सॉल्व करी कि 5b में से हमें 2a माइनस करना है, तो 2a तो निकाल लिया, 5b तो निकालो तभी तो माइनस करोगे, तो 5b निकालोगे मतलब b को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, सिंपल मल्टीप्लाई। देखो कंफ्यूज मत होना, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना एक अलग बात है और एक मैट्रिसेस को एक स्केलर क्वांटिटी मतलब एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना एक अलग बात है। तो जब आप एक सिंगल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बहुत सिंपल है, वो डायरेक्ट कर दो, बात समझ रहे हो मेरी, और दो मैट्रिसेस को कैसे करते हैं वो अभी बाद में बताऊंगी, जो मैंने अभी बताया था कि कैसे ऑर्डर को हमें चेक करना है, कैसे बार वाला डिजिट उसके फर्स्ट वाले ऑर्डर के डिजिट के इक्वल होना चाहिए, वो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है। बच्चे यूजुअली इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहां पर सिर्फ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रही, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो 5 2 10 -2 × 5 -10, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25, -25, 5 1 5, तो ये आ गया 5b। अब 5b को ऑर्डर क्या है आपका 3 × 2, 2a को ऑर्डर क्या है 3 × 2, क्या हम 5b में से 2a को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। तो 5b ये लिखा, 2a ये लिखा, इन दोनों को माइनस करा, 10 - 16 - 6, -10 - 0 - 10, 20 - 8 = 12, 10 - -4 + हो जाएगा 14, -25 - 6 नेगेटिव का -31 और 5 - 12 - 7। अब ये 3 × x ही आ रहा है, अब इसको हमें किससे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो पूरे मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल है, जैसे क्लीनर इक्वेशन सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, आई मेरी बात समझ। तो 6 को 3 से डिवाइड करो -2, -10 को 3 से डिवाइड करो -10/3, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 14 को 3 से डिवाइड करो 14/3, डेसिमल में मत करना, फ्रैक्शन में छोड़ दो, -31 को 3 से डिवाइड करो -31/3 और -7/3, एंड दिस इज योर आंसर।
आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 9, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. हमें दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. इफ एक्स प्लस वाई ये दे रखा है और एक्स माइनस वाई ये दे रखा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने की. आपको एक्स प्लस वाई कुछ दे रखा है और आपको एक्स माइनस वाई कुछ दे रखा है. अब एक बार इन दोनों चीजों को ऐड कर दो, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो. पहले इक्वेशन को ऐड करो तो देखो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा. बात को समझो, अगर आप इन दोनों चीजों को ऐड करते हो तो आपके पास 2x की वैल्यू आ जाएगी. तो पहले 2x निकाल लेते हैं ना. यही चीज मैंने यहां पर करी है, मैंने पहले इस वाले x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई को ऐड करा है, ताकि प्लस वाई से माइनस वाई कट गया तो ये प्लस एक्स 2x हो गया. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज ऐड कर सकती हूँ. ये ऑर्डर कितना है 2 into 2, ये भी ऑर्डर कितना है 2 into 2, तो इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा. 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0 एंड 9 - 1 8 इज इक्वल टू 2x. अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई आके डिवाइड, इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 / 2 = 4, 8 / 2 = 4, 0 / 2 = 0, 8 / 2 = 4, तो आपका x का मैट्रिक्स क्या आ गया, ये आ गया, मतलब ये आपकी x की वैल्यू आ गई. अब आपको y की वैल्यू निकालनी है. अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, x प्लस वाई माइनस कर दो. एक बार ऐड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब माइनस करोगे तो माइनस के साथ ब्रैकेट खोलो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखनी, जब भी ऐसा हो एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो ये कैंसिल, तो 2y, दैट मीन्स दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 2y, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 6 गया -4, 0 - 0 = 0, 9 - -1 = 10, और 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, 2 / 2 = 1, -4 / 2 - 2, 0 / 2 = 0 एंड 10 / 2 विल गिव यू 5, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप गाइज ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल 10. हमें बोला है दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से चेक करो. ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले जो दिख रहा है वो करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 × x, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर, 2y - 6 प्लस ये चीज एज इट इज इक्वल टू ये चीज एज इट इज. अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो करो ना, 2x + 3 ये हो जाएगा 10 + -4 विल गिव यू 6, 14 + 1 = 15 एंड 2y - 6 + 2 विल गिव यू 2y - 4 और ये आपका आंसर एज इट इज. ये ठीक है, अब इसमें वैल्यू निकालनी, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, याद करो पिछली वीडियो में इक्वालिटी पढ़ाया था, तो मतलब ये इसके इक्वल हुआ, तो इक्वेट कर दो, 2x + 3 = 7, एक्स की वैल्यू निकालो, प्लस 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, एक्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 4 / 2 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2. अब इसको इक्वेट करके हमें कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वेट कर दो, 2y - 4 = 14, तो -4 वहां जाके +4, तो 18 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, 18 / 2 और वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9. ये हो गया आपका एग्जाम्पल 10 एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो. बट ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे घबरा जाते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर, पर ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा. देखते हैं, 2 फार्मर्स है, रामकिशन और गुरचरण सिंह है. एक कहानी सुनाने वाली हूँ मैं आपको. 2 फार्मर है, एक है रामकिशन और एक गुरचरण सिंह. वो खेती बाड़ी करते हैं, सिर्फ 3 तरह की चीजें वो उगाते हैं, एक बासमती, एक परमल और एक नौरा. सिर्फ वो ये 3 चीजें उगाते हैं. सेल ऑफ दीज वेराइटीज बाय राइस बाय बोथ द फार्मर्स. अब वो 3 चीजें उगाते हैं. देखो, ये आपको 2 मैट्रिसेस यहाँ पे दे रखे हैं. ये रामकिशन की सेल है सितंबर में और ये गुरचरण की सेल है सितंबर की. सिमिलरली अक्टूबर में ये रामकिशन की सेल है. रामकिशन ने बासमती 5000 में बेका, परमल 10000 और नौरा 6000. ये पैसों में दे रखा है कि कितने पैसों की सेल करी. गुरचरण ने अक्टूबर में 20000 में बासमती बेचा, 10000 रुपए का परमल बेचा और 10000 नौरा बेचा. आई मेरी बात समझ, ये क्वेश्चन समझ आ गई. ये इनकी सितंबर की सेल दे रखी है दोनों फार्मर्स की और ये अक्टूबर की सेल दे रखी है. अब हमसे बोला है फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ बोथ दी फार्मर. बचपन में पढ़ते थे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, कंबाइंड टोटल, इन सब में आप क्या करते हो, ऐड करते हो. दैट मीन हमें सितंबर अक्टूबर को
टोटल सेल्स निकालनी है दोनों फार्मर्स की, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, और ऐड कर भी सकते हैं क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिसेस है और ये भी 3x3 का मैट्रिसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ए प्लस बी करोगे तो 10+5 ये 5000 है, विल गिव यू 15, 20+10 विल गिव यू 30, 30+6 विल गिव यू 36, 50+20 विल गिव यू 70, 30+10 विल गिव यू 40 एंड 10+10 विल गिव यू 20। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ है, व्हाट इज अ डिक्रीज इन सेल, सितंबर से अक्टूबर में कितना चेंज, कितना डिक्रीज इन सेल आया। तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, डिक्रीज में या चेंज में, सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स हमें ए में से को करना है सब्ट्रैक्ट। तो फटाफट से ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप कैसे करोगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 20 में से 10 गया 10 बचा, 30 में से 6 गया 24 बचा, 50 में से 20 गया 30 बचा, 30 में से 10 गया 20 बचा एंड 10 में से 10 गया 0 बचा। इसके बाद आता है इसका लास्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो। इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, मतलब टोटल सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। हमें बताना है कि जो टोटल सेल्स अक्टूबर में, उस पर अगर हर फार्मर को 2% प्रॉफिट मिल रहा है तो उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इसको आप कैसे करोगे, दैट मीन्स 2% प्रॉफिट निकालना है आपको टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब कौन सी सेल्स, अक्टूबर वाली सेल्स का, आई मेरी बात समझ। तो दैट इज 2% ऑफ बी, सिंपल, क्योंकि बी तो अक्टूबर वाली सेल है। तो 2/100 इंटू पूरा बी मैट्रिसेस, मतलब 5000 इंटू 2/100 विल गिव यू 100, 10000 इंटू 2/100 विल गिव यू 200, 6000 इंटू 2/100 विल गिव यू 120, 20000 इंटू 2/100 विल गिव यू 400, 10000 इंटू 2/100 विल गिव यू 200 एंड 10000 इंटू 2/100 विल गिव यू 200। दैट मींस राम किशन को बासमती पे 100 रुपए का फायदा हुआ अक्टूबर में, परमल पे 200 रुपए का, नौरा में 120 रुपए का, और यहां पर भी आपका ये जो दूसरा वो था गुरचरण को बासमती पे 400 रुपए का फायदा हुआ, परमल में आपको उसको 200 रुपए का, नौरा में उसको 200 रुपए का फायदा हुआ। आई होप गाइज ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड टिल एग्जांपल 11। माय नेक्स्ट वीडियो आई बी स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रेसेस, जो कि बेस है, वो आपको आना ही आना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत सिंपल है अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो तो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग till the time I'll see you in my next video. Happy learning.